गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर श्रेयांश तिवारी। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं सभी 10th क्लास के बच्चों से ये आग्रह करता हूं कि सभी लोग अपना काम जल्द से जल्द पूरा करिए। जैसे ही ये लॉकडाउन ओपन होगा मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगा, और दूसरी बात ये कि इस काम को जल्दी से जल्दी अपना पूरा करिए। नाउ वी विल बिगिन द थर्ड चैप्टर द गंगा। जैसा हम सभी को यहाँ दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है कि द गंगा को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, और अब अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हो गई थी। ये हमारे भारत के, मतलब आजाद भारत के, फ्री इंडिया आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके साथ साथ इन्होंने एक हमारे एक मॉडर्न इंडिया की एक नींव रखी, एक आर्किटेक्ट थे कि इन्होंने किस तरीके से इस भारत को आजाद होने के बाद क्या उसमें बदलाव किए। इसके बाद ये पूरे देश भर में शांति के प्रतीक माने जाते थे कि एक दुनिया में उन्होंने एक मिसाल कायम की। इसके बाद ये बहुत अच्छे राइटर भी थे और उन्होंने बहुत अच्छी किताबें भी लिखी, जैसे कि एक बहुत ऐसी किताबें जो बच्चे आज भी पढ़ते हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनकी कुछ स्पीचेस थी, उन्होंने स्पीच भी दी, अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, डिलीवर ऑफ द मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त 1947, नेशनल फ्लैग, डिलीवर्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 22 जुलाई 1947। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे हिस्ट्री का ही हिस्सा ही नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने लिटरेचर में बहुत महान एक व्यक्ति, बहुत बड़ा काम दिया। तो ये कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ राजनीतिक कार्यों में ही नहीं, इसके साथ साथ देश को आगे बढ़ाने में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अब हम चैप्टर की तरफ थोड़ा सा आगे समझेंगे। चैप्टर बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, तो थोड़ा सा भी ध्यान से समझेंगे। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन डू नॉट रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट सो प्रीशियस अ थिंग एज अ अफेक्शन। जैसा इसमें बताया गया, अब जो बात कह रहे हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं कुछ भी करूं तो उसका एक अंश भी लौटा नहीं सकता, और वास्तव में ये जो प्यार है ये एक अमूल्य वस्तु का प्रतिदान भी हो नहीं सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवर्ड, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल। इसमें बताया गया कि अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ को तो सम्मान दिया गया, परंतु मुझे तो भारतीयों के सभी वर्गों का इसने हर रूप से मिला है बहुत, और मैं इसका बहुत बड़ा अभिभूत हूं। एंड हैज टू कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरब्लेंड बाय इट, आई कैन टू एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर आई मे लिव आई शैल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माय पीपल एंड देयर अफेक्शन। मैं केवल यह आशा ही करता हूं, यह आशा ही व्यक्त कर सकता हूं कि अपने जीवन के शेष वर्षों में मैं अपने देशवासियों तथा उसके स्नेह अयोग्य नहीं हो जाऊंगा। तो आगे इसमें बताया गया है कि टू माय इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलीग्स आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, अपने असंख्य सहयोगियों सहकर्मियों के प्रति मैं और भी अधिक आभारी हूं। वी हैव बीन joint partner in great undertaking and I have shared the trump and sorrow which inevitably accompany them। हम लोग महान कार्यों में सहभागी रहे हैं और उन विजयों तक दुखों के साथ साथ सहन किया है जो अनिवार्य रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसा इसमें बताया गया है। when I die I should like my body to be cremated। उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो मैं चाहूंगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए, क्रिमेटेड मतलब दाह संस्कार करना। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, अगर मेरी मृत्यु विदेश में हो तो माय बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, माय एशेस सेंट टू अलाहाबाद। यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं करा दिया जाए तथा जो राख हो उसे इलाहाबाद भेज दिया जाए, जो कि इलाहाबाद आज के समय प्रयागराज को कहा जाता है, जैसा मैं भी आपको बता दूं। A small handful of these ashes
should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. जैसा इसमें बताया गया है कि इस राग का एक मुट्ठी भर जो भाग है वो गंगा में प्रवाहित किया जाए और उसका जो अधिकांश भाग है वो समापन निम्नलिखित के ढंग से किया जाए, जो भी बताया जाएगा उस तरीके से आप उसको काम करेंगे. नो पार्ट ऑफ दिस एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व. जैसा इसमें कहा गया कि मेरे इस राख का, मेरे बॉडी के जो राख है उसका जरा सा भी भाग बचाकर या संभाल कर सुरक्षित ना किया जाए. प्रिजर्व मतलब संभाल कर या सुरक्षित कर. तो आज हम सभी यहां तक इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वे सभी इसके ग्लॉसरी के वर्ड मीनिंग लिखेंगे. थैंक यू.